नमस्कार आप सबको। मैं शॉर्ट में यह बोलूँगा, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ओवरव्यू है हमारा, क्योंकि हर कुछ हम अगर वीडियो पे बताएं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कुछ टाइम पहले मेरे ब्रदर को एक कॉल आता है एक गांव से। उस गांव का फ़िलहाल हम नाम तो नहीं ले सकते हैं, ये आइडिया दे सकते हैं कि ये लोकेटेड है रांची से नॉर्थ में ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स, रामगढ़ और बोकारो के बीच में एक गांव कहीं पड़ता है। भाई के पास ये फ़ोन आता है कोई जानकार भाई का, एक लड़का। उसने ब्रदर को बोला कि आपके भाई तो दिल्ली से आए हुए हैं, अगर हो सके तो उन्हें यहाँ लेकर आओ ना हमारे गांव में। तो मेरे ब्रदर ने मुझे बोला ऐसी ऐसी बात है। मैंने बोला क्यों, क्या है वहाँ? तो ब्रदर ने बोला कि भैया वहाँ पर एक स्कूल है, वहाँ पर बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया, स्कूल को बंद कर दिया गया है। मैंने कहा कारण? तो उन्होंने कहा नहीं, ये गाँव के लोग कहते हैं उसमें चुड़ैल डाइन है। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे ये वीडियो है। बाय द वे, हम यहाँ से रांची से निकल चुके थे शाम के 6 बजे, 6 बजे भी नहीं, इनफैक्ट 5 बजे के करीब हम निकले थे। काफ़ी रास्ता काफ़ी मतलब लंबा तो नहीं कहेंगे, लंबा नहीं था, लेकिन हाँ जहाँ हमें जाना था वहाँ पे सुना था कि संकरे संकरे रोड्स हैं और अननोन था हमारे लिए, तो पहले निकले थोड़े। और लकीली वहाँ पहुँचने के बाद, हालांकि गांव में लोग सो जाते हैं, उस गांव में तो 7:30-8 बजे तक सो जाते हैं, बट जब हम 10 बजे पहुंचे तो भाई ने कांटेक्ट किया उस लड़के से और वो आकर के उन्हें बाकायदा उन्होंने बताया, कैमरे पर आने के लिए रेडी हो गए थे। हालांकि वो पहले रेडी नहीं हो रहे थे, लेकिन हमारे समझाने बुझाने के बाद कि हम गाँव का नाम नहीं बताने वाले, तो वो रेडी हो गए। तो वीडियो दिल थाम करके देखिएगा, ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली, हो सकते हैं मल्टीपल पार्ट्स में आए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 20-30 मिनट का इन्वेस्टिगेशन है। मैं अपने बारे बता रहा हूँ, मैं पूरी रात वहाँ रह करके आया हूँ और मेरे साथ क्या हुआ, जो भी हुआ, जो भी एक्सपीरियंस था, आप इस पूरे वीडियो में देखेंगे, बल्कि इस एपिसोड में देखेंगे आप। दोस्तों, हम उस जगह के आसपास आ गए हैं जहाँ के बारे मेरे भाई ने कहा था। मेरे भाई साहिल ने कहा था कि भैया हम आपको एक ऐसी जगह पर ले करके चलते हैं और वहाँ आपको इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करना चाहिए। इनफैक्ट नेविगेशन भी ये कर रहे हैं, रास्ता भी मुझे बिल्कुल नहीं पता है यहाँ का, यही मुझे लेकर के यहाँ पर आए हैं। और जहाँ हम जा रहे हैं वो एक स्कूल है, बच्चों का स्कूल है वो। और देखिए रास्ता, अब देखिए कैसा, कितना संकरा है। मेरे ख्याल से दोनों साइड से टच हो गया ना वो। हाँ, दोनों साइड से ही ये बहुत ज़्यादा घास वास है। हाँ, ये बहुत ही संकरा है। मुझे तो लगता है कि कोई बाइक में अगर यहाँ पर 30 किलोमीटर की स्पीड पर भी आएगा तो सामने हर कुछ दिखता नहीं है। ये गाड़ी में दोनों तरफ टच होता जा रहा है ये जो घास वास इतना। अब मुझे फोकस, आप इधर 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 ये बस इसी रास्ते पे चलिए। हाँ, मुझे बताइएगा कि कहाँ से कट लेना है। बहुत संकरा है, थोड़ा सा ध्यान से। हाँ, धीरे धीरे। ये आपके कितने दोस्तों को यहाँ पर ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हुआ है? 3-4 दोस्त मेरे यहाँ आए हैं, वो लोग जब भी मतलब हमेशा से उन्होंने बताया है कि कुछ अजीब सा आगे देखिए, अभी एक उल्लू। हाँ, ये तो हमें पूरे रास्ते में पहले से भी, हम जब कर रहे थे यहाँ आने के लिए, हम मतलब आप बिलीव करो या ना करो, ये जो रास्ता है हम कम से कम यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर ये आगे। हाँ, आगे देखिए ये एक छोटा सा नदी है, वहाँ जाना ठीक रहेगा आप बताइए? नहीं, मुझे तो नहीं लगता वहाँ जाना सही रहेगा, यहीं से ही आप गाड़ी। हाँ, पीछे बैक ले लेते हैं क्योंकि अगर गाड़ी फंस गई और रात भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जा सकती, मुझे लगता है यहाँ से आगे गाड़ी ले जाना खतरनाक होगा। एक बार हम यह देखने के लिए आए हैं कि यहाँ से गाड़ी जा सकती है या नहीं। नहीं, यहाँ से तो गाड़ी नहीं जा पाएगी, फिर भी देख लेते हैं। इसलिए देखने के लिए आए कि गाड़ी यहाँ से जा सकती है कि नहीं। नहीं, ये तो रिस्की हो जाएगा अगर गाड़ी यहाँ फंस गई अभी।
उधर दिखा दीजिए, क्योंकि कीचड़ वगैरह मुझे लग रहा है यहाँ काफ़ी है। और ये कोहरा भी बहुत है। हाँ बहुत ज़्यादा कोहरा है। चलो वापस चलते हैं, हम पैदल वाले रास्ते से जाएंगे वहाँ। हाँ पैदल वाले, वही पैदल वाले रास्ते से जाते हैं। पहले गाड़ी को हम कहीं सेफ जगह पे पार्क कर देते हैं। पार्क कर, गाड़ी नहीं जा सकती है उधर, चली तो जाएगी लेकिन रिस्क ले हो जाएगा वो, कहीं फंस गया अभी। रात के 11 बज रहे हैं, काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हम पैदल वाले रास्ते से जाएंगे, यहाँ से पॉसिबल नहीं है, यहाँ से पॉसिबल नहीं है गाड़ी के रास्ते जाने। अच्छा। हालांकि पैदल जो हम जाएंगे वो रास्ता थोड़ा लंबा हो जाएगा, हमें काफ़ी चलना पड़ेगा। अगर यहाँ से बताया जाए इस जगह से, तो स्कूल इस तरफ है, दिखाई तो हमें भी नहीं दे रहा है अभी, लेकिन हम बड़े रास्ते से पैदल रास्ते से जाएंगे, गाड़ी नहीं जा सकती। इनफैक्ट लगा दिया गाड़ी को सेफ जगह पर, और ठंड भी बहुत बढ़ रही है। मेरे ब्रदर मिस्टर साहिल, इनके कोई जान पहचान के हैं यहाँ पे, तो अभी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और हम एक बार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है। अब ये स्कूल यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कोई 1 किलोमीटर होगा पैदल, तो हम उनसे कोशिश करते हैं कांटेक्ट करने की। बताएंगे हमें मिस्टर अफरोज़ के आपने वहाँ पर क्या फ़ील किया या क्या देखा है? जी जी बताएँगे, बोलिए। देखिए वहाँ पे एक लड़की थी, सबसे पहले जो आसपास के गांव में थे, अब वही गांव में जैसे कि एक लड़का से प्यार करती थी। अब वो लड़का देश से शादी उसके माँ बाप ने नहीं करवा दिया, तो वो लड़की ने क्या किया, जैसे अपने माटी तेल पूरा अपने सर में डालकर आग जला ली, तो वही उसके मर गई, तो उसके माँ बाप ने आन के नदी पर जला दी, तो उसी का आत्मा पूरा स्कूल में रहता है। अब उसी का आत्मा पूरा स्कूल पर रहता है, तो इसकी वजह से हम लोग नहीं जाते हैं स्कूल पर। जब भी जाते हैं तो तब भी हम लोग को डर लगता है स्कूल पर, क्योंकि आसपास ने वही दरवाज़ा वरवाज़ा पूरा पटकने लगता है। अच्छा, इनका ये कहने का है, ये कहना चाह रहे हैं कि कभी कोई लड़की किसी दूसरे गांव के लड़के से उसका अफेयर था और वो उससे शादी करना चाहती थी, शायद कास्ट का मामला होगा, तो उसके घर वाले राज़ी नहीं थे, तो लड़की ने गुस्से में सुसाइड कर लिया, अपने पर आग लगा लिया। और इनका और इनके अलावा कई लोगों का मानना है कि उसके बाद से वहाँ पे उसकी आत्मा रहती है। आप लोग उसे क्या क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं, चुड़ैल कहते हैं, क्या कहते हैं? किचन कहते हैं। किचन, ठीक है। इनका कहना है कि गांव के लोग इसे किचन कहते हैं। आपके अलावा किसी और ने भी यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस किया है? सबको जितना हम लोग का गाँव वाला है सबको किचन कहता है इसमें। अच्छा, हम ये कहते हैं कि आप मतलब शाम ढलने के बाद वहाँ मत जाओ। हाँ, हमें क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग सब बोलते हैं कि शाम होने के बाद आप लोग भी नहीं जाइए। ठीक है, ये तो देखिए हमारा काम है। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे साथ इतना टाइम समय दिया, रात काफ़ी हो रही है, स्पेशली आपको जगाया गया आपसे बात करने के लिए। जी, और जैसे हमारी बात पहले हुई थी कई और लोगों से, सारे लोग तो नहीं मिल पाए क्योंकि रात काफ़ी हो गई है, यहाँ पे सब सो चुके होंगे। जी जी, तो आपका धन्यवाद। ये अभी उधर ही जा रहे हैं ना हम लोग? हाँ, वो स्कूल की तरफ जा रहे हैं हम। ये पूरा कुहासा भी है, ध्यान चाहिए। हाँ, रास्ता बहुत ये है और फिर पूरा फॉग भी है, ज़्यादा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत दूर तक दिख नहीं रहा है। हाँ, बहुत ये बहुत कम हो गया है विजिबिलिटी। ये देखिए, ये धुएं की तरह जो दिख रहा है ये फॉगी है पूरा। अब ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि स्कूल वाकई में मिलता भी है कि नहीं। नहीं, ये ऐसे ही चलना होगा आगे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने तो एक्सपीरियंस किया है यहाँ बहुत कुछ।
कहता है बहुत कुछ वो लोग इधर के स्कूल के बारे में। तुम यहाँ कभी आए हो क्या? नहीं मैं तो नहीं आया हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स से वो लोग आए हैं, वो लोग हमेशा बताते हैं। एक तो एक दो उसमें है कि वो कि दोबारा आना ही छोड़ दिया, कहता नहीं मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा इधर। ये रास्ता बहुत ही ज्यादा थोड़ा ध्यान से रहा ना, नीचे देख कर लगता है हम स्कूल के पास आ गए। हाँ ये स्कूल है। अब मैं पूरी स्टोरी बताता हूँ स्कूल की। जैसा कि मिस्टर अफरोज ने कुछ और लोगों ने कहा है यहाँ के बारे में कि इस गांव की एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था, गुस्से में उसने अपने ऊपर आग अपने आप पे आग लगा लिया था। और गांव के लोगों का ये मानना है उसकी आत्मा इस स्कूल में कैद है और वो लोगों को डराती है, जिसका नाम इन्होंने किचन दिया हुआ है। तो लाइट काफ़ी मुझे पड़ रहा है, आज क्या करेंगे, आज एक इन्वेस्टिगेशन तो बनती है। पहले आपको ओवरव्यू दिखा दें स्कूल का, तो आइए साहिल। सॉरी दोस्तों, जब हम यहाँ पहुँचे तो अनएक्सपेक्टेडली कैमरा बंद हो गया और कुछ दिक्कत आ रही थी कैमरे में, तो उसे दोबारा हमने कैमरे को फ़ोन को रिबूट किया है, उसके बाद आए हैं यहाँ पे। ये स्कूल है, जैसे मैंने बात की थी स्कूल के बारे में, आपको थोड़ा एक बार ऊपर से दिखाते हैं। जिस स्कूल के बारे में बात की थी आपको शायद स्टोरी तो मैं सुना चुका हूँ उसकी। आइए ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ कोई गार्ड वगैरह कोई नहीं है, जैसे स्कूल में गार्ड्स तो होने चाहिए। हाँ यहाँ पे तो गार्ड्स वगैरह कोई भी नहीं है, लेकिन ये सब बिल्कुल सारा रूम बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ है। हाँ ये इसको देखते हैं ना, ये ताला तो देख करके लग रहा है कि काफ़ी दिन से बंद पड़ा है, जंग खाया हुआ है बिल्कुल। सारे ताले ऐसे ही हैं, ये भी लग रहा है जंग खाया हुआ है बिल्कुल। ये जैसे स्कूल के बाद में ये जंगल है। अच्छा ये कब्रिस्तान है क्या? नहीं ये कब्रिस्तान, अच्छा नहीं कब्रिस्तान तो नहीं है ये, लेकिन वैसा लग रहा है कि ये कब्रिस्तान। हाँ, वो लग रहा है कि कब्रिस्तान की तरह। एक मिनट ये इसको थोड़ा एडजस्ट कर दूं। ये आप दोस्तों देख रहे हो, ये बिल्कुल कब्रिस्तान की तरह दिख रहा है, लग रहा है कब्रें हैं यहाँ पे। आपको ये क्लियर कर देता हूँ, ये कब्र नहीं है। नहीं नहीं ये कब्र नहीं, ये मुझे लगता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने कुछ काटवाट के रखा है यहाँ पे। हाँ। आप साहिल आप उधर जरा लीजिए, टॉर्च लेकर के जाइए। हाँ उधर जाइए, इन्वेस्टिगेशन बाद में करेंगे यहाँ की। वो मैंने ब्रदर को भेज दिया है अभी दूसरी तरफ स्कूल के। देखा आपने ये क्या है? आप सोच रहे होंगे कुछ है, ठंड बहुत ज़्यादा है, मुँह से भाप निकल रही थी। अब ये कहीं मुझे इस बात का डर है कि बहुत ज़्यादा ठंड में लिथियम आयन जो बैटरी होती है वो फेल हो जाती है कई बार। मुझे लगता है मेरा मोबाइल भी इसलिए ऑफ हुआ था, अभी रिबूट किया है, पावर बैंक में लगा के इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखता हूँ कितना टाइम ये रहेगा ऐसा। यहाँ से नीचे अगर जाया जाए वो भी करेंगे आज।
ये तो खुला हुआ, ऐसे खोल सकते हैं क्या? मैंने साहिल को दूसरी तरफ भेजा है अभी। लग रहा है अंदर से बंद है। साहिल को मैंने दूसरी तरफ भेजा है। ये तो जंगल है सारा, खिड़की खुलते ही। वाह, इसे बंद कर देते हैं। किसी के काम आए ना आए, लेकिन मुझे लगता है ये जो ठंड में है, जानवरों के काम तो ज़रूर आएगा। जैसे कुत्ते रोते हैं ठंड में, उनके काम तो ये जगह ज़रूर आएगी। ये आप देखो, एक मुझे ट्यूबवेल मिला है झाड़ियों के बीच में। अच्छा, एक कमरा भी है। कहीं ये खामखा के पंगे लेने वाली बात तो नहीं है यार? झाड़ी में मैं कैसे कैमरा भी? साहिल, आप कहाँ पे हो? साहिल, साहिल यहाँ आइए। कुछ है क्या इसके अंदर? स्कूल के कपड़ा किसका लटका हुआ है इसके अंदर? कुछ दिख जाए। अगर मेरा कैमरा गिर गया तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये ताला लगा हुआ है और ये ताला में जंग पड़ा हुआ है। साहिल, आप कहाँ पे हो? ये स्कूल के पीछे का इलाका है जिसको जंगल कह रहे थे। पता नहीं साहिल किधर चले गए। यहाँ से उतरना मेरे लिए ठीक रहेगा, स्लिप तो नहीं करूँगा मैं। चलो उतर ही जाता हूँ। उतर गया। अब आपको ये दिखा दूँ मैं कितनी घनी झाड़ियाँ हैं यहाँ पे। साहिल, साहिल, इसके पास में ये खेत का, मुझे ये क्या, इसे क्या बोलते हैं, पराली बोलते हैं शायद, वो पड़ा है ये। है तो एब्सोल्यूट साइलेंस यहाँ पे। अब मैं जरा वापस जाता हूँ। साहिल,
ये रास्ता कहीं और जा रहा है। ये स्कूल के पीछे साइड है, स्कूल का ये पीछे का साइड है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए झेड़ बिल्कुल झोल झाड़ सब कुछ हो चुका है, तय है कि यहाँ ये तो बंद है। साहिल कहाँ है आप?